हेलो एवरीवन। और आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले इस रेन सेंसर को, इसे बनाना काफ़ी इजी है और ये काफ़ी सिंपल प्रोजेक्ट है। आप इसे इजीली स्कूल प्रोजेक्ट के लिए बना सकते हो। तो सबसे पहले अभी हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एज ए रेन यहाँ पे वाटर ड्रॉप करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं सेंसर के ऊपर वाटर ड्रॉप करूंगा तो बजर बजना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बजर चालू हो चुका है। इस वीडियो में मैंने सारी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दी है आप इसे कैसे बना सकते हो। तो अगर आपको इसे बनाना नहीं है और इसको आपको डायरेक्टली परचेस करना है तो आप मुझे नीचे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट करके आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सर्किट को टेस्ट कर लेंगे ब्रेडबोर्ड पर। तो ब्रेडबोर्ड पर टेस्ट करने के लिए हमें चाहिए होगा, हम यहाँ पर यूज़ करने वाले ESP32। तो ESP32 को हम सबसे पहले माउंट कर देते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर टेस्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ESP32 माउंट कर दिया ब्रेडबोर्ड पे। उसके बाद हम लेंगे हमारा रेन सेंसर। रेन सेंसर में कुछ इस तरीके का रहेगा, आपको इसे जस्ट सिंपली यहाँ पे कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के बाद आपको इस तरीके से रख देना है। तो यहाँ पे रेन सेंसर में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे चार पिंस है। फर्स्ट वन इज़ VCC, ग्राउंड, डिजिटल और एनालॉग आउटपुट के लिए। तो हमें डिजिटल आउटपुट की और एनालॉग आउटपुट दोनों हम ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और जो हमारा VCC पिन है उसको हमारे ESP32 के 3.3 से कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद जो हमारा ग्राउंड है हम उसे ग्राउंड पे कनेक्ट कर देंगे। और जो हमारा डिजिटल आउटपुट है उसे हम कनेक्ट कर देते हैं D2 पे, या फिर हम इसे D5 पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, D5 पे कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे रेन सेंसर और हमारे ESP32 के कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे अभी हम लेंगे एक बजर, बजर को भी हमें ब्रेडबोर्ड पे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे इसे कनेक्ट कर देता हूँ और जो बजर के कनेक्शन है उसमें मैं जम्पर वायर्स भी कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं जम्पर वायर कनेक्ट कर रहा हूँ। जो हमारा बजर का जो पॉजिटिव एंड है उसे हमें D23 पे कनेक्ट करना है और जो हमारा नेगेटिव एंड है जो कि हमारा ग्राउंड है वहाँ पे हम उसे ग्राउंड पे कनेक्ट कर देंगे। तो अभी हमारा सर्किट फुल्ली रेडी है, अभी हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक कोड लिखना है, तो अभी हम वो कोड लिखते हैं। तो अभी हम आ जाते हैं कोडिंग पार्ट पे। तो यहाँ पे कोडिंग पार्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट आपको ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको एक वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे एक पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के लिए आपको जस्ट फाइल्स पे जाना है और न्यू फाइल क्रिएट करके आप वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आप इस कोड को एक बार कंपाइल कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे कंपाइलेशन हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी कंपाइलेशन कंप्लीट हो चुका है और हमारा कोड वर्किंग है। तो अभी हम इसे अपलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हम ESP32 यूज़ कर रहे हैं तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ESP32 डेवलपमेंट मॉड्यूल सिलेक्ट किया है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको जस्ट पोर्ट सिलेक्ट कर लेना है, एक बार पोर्ट आप सिलेक्ट कर सकते हो जिस भी पोर्ट में आपका डिवाइस कनेक्टेड है। उसके बाद सिंपली आपको अपलोड के बटन पर क्लिक कर देना है और आपका कोड अपलोड हो जाएगा। तो अभी हमने यहाँ पे कोड अपलोड कर दिया है हमारे ESP32 में, तो अभी हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। तो टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पे मैं जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट्स यहाँ पे गिरेंगे हमारा बजर ऑन हो जाएगा। अभी ये मैंने स्लैंट एंगल में रखा है तो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे जा रहे हैं, बट अगर मैं इसे सीधा रख देता हूँ और यहाँ पे मैं वाटर ड्रॉपलेट्स ड्रॉप कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बजर ऑन हो चुका है। तो अभी हम इस पूरे सर्किट को ब्रेडबोर्ड से निकाल के हम एक PCB पे माउंट करेंगे ताकि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हम इस प्रोजेक्ट को दिखा सकें। तो अभी टेस्टिंग फिनिश हो चुकी है और यहाँ पे हम इस सर्किट को अभी ब्रेडबोर्ड से निकाल के हम PCB पे माउंट कर देंगे ताकि एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में हमारा प्रोजेक्ट दिखे। तो अभी हम इसे यहाँ पे PCB पे माउंट करते हैं।
यहाँ पे मैं सेंसर को माउंट करने के लिए ये फीमेल स्ट्रिप का यूज़ कर रहा हूँ, जिसकी मदद से हम सेंसर को यहाँ पे इस तरीके से माउंट कर सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको जस्ट इसे सेंसर के पिंस के अकॉर्डिंग आपको काट लेना है और बाकी हमारा सर्किट सेम ही रहने वाला है। तो अभी हम इसे फटाफट सोल्डर कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे स्ट्रिप को सोल्डर करने के बाद हम यहाँ पे बजर को भी सोल्डर कर देते हैं। तो यहाँ पे बजर को सोल्डर कर देते हैं पीछे से। तो अभी आपको कुछ इस तरीके के वायर्स ले लेने हैं और उसको सोल्डर करना आपको स्टार्ट कर देना है। तो अभी हम मैं यहाँ पे सोल्डर कर देता हूँ। सोल्डरिंग होने के बाद बैक साइड आपको कुछ इस तरीके की दिखेगी। तो अभी हमारा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे अभी हम सेंसर को भी माउंट कर देते हैं। कुछ इस तरीके से ये फिट हो जाएगा और आप यहाँ पे इसको निकाल भी सकते हो और यहाँ पे आप इसे प्लेस कर सकते हो। उसके बाद हम इसे पावर सप्लाई देंगे डायरेक्ट हमारी USB पोर्ट से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ वर्किंग है। अभी हम इसे फिर से टेस्ट कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे टेस्ट करने के लिए मैं ऐसे सेंसर को इसे पकड़ लेता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा बजर चालू हो गया रेन ड्रॉप गिरने के बाद। और अभी हम यहाँ पे इसे निकाल देते हैं। तो अभी बजर ऑफ हो चुका है। तो अभी हम इसे बॉक्स में फिट कर देंगे। ऐसे भी आप प्रोजेक्ट असेंबल आपका अच्छा ही दिख रहा है, बट अगर आपको इसे फिर से बॉक्स में असेंबल करना है, मैं यहाँ पे इसे बॉक्स में असेंबल कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं इस तरीके का बॉक्स दूंगा और यहाँ पे इसे फिट कर दूंगा। तो यहाँ पे बॉक्स में इस तरीके से फिट करने के बाद मैं यहाँ पे इस साइड एक होल कर दूंगा, जिसकी वजह से हम USB पोर्ट कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं होल कर देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का होल हो चुका है। तो यहाँ पे हमें इसे इजीली यहाँ पे USB पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑन हो चुका है। तो अभी मैं यहाँ पे इसे डबल साइड टेप से अंदर स्टिक कर दूंगा और उसके बाद हम रेन सेंसर को बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सर्किट को अंदर डबल साइड टेप से कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे एक होल फिर से करके वायर्स को बाहर निकाल दिया है, ताकि हम रेन सेंसर को कनेक्ट कर सकें। और इस तरीके से बंद हो जाएगा और अभी हम वापस रेन सेंसर को कनेक्ट कर देते हैं। दो पिन को आपको जस्ट कनेक्ट करना है। तो इस तरीके से बाहर आ जाएगा और इसे भी हम डबल साइड टेप से यहाँ पे माउंट कर देंगे। यहाँ पे मैंने इसे पावर सप्लाई दे दी है। तो अभी हम इसे टेस्ट करते हैं फिर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा बजर भी वर्क कर रहा है। तो अभी मैंने यहाँ पे पानी निकाल दिया है ऊपर से। तो कुछ इस तरीके से आप इसे घर पे भी बना सकते हो। इसे बनाना काफ़ी इजी है, तो आप इसे बना सकते हो इजीली। अगर आपको ये नहीं बनाना है तो आप इसे ऑर्डर भी कर सकते हो, आपको ये घर पे डिलीवर हो जाएगा। तो आपको कैसे ऑर्डर करना है मैं आपको इंस्टाग्राम पे बता दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके इसे ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको इसे बनाना नहीं है, मैं आपको आपके एड्रेस तक ये डिलीवर कर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, और ऐसे ही अगर आपको वीडियोज़ देखना है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।